रायपुर में सीएम ने बीजेपी पर किया पलटवार, कहा बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा नहीं। धमतरी में कृषि कार्य निस्तारित समस्याओं को लेकर ग्रामीण पहुंचे कलेक्ट्रेट, कलेक्टर ने दिया किसानों को आश्वासन। रायपुर में फिल्मी अंदाज में आरोपी ने लूट की घटना को दिया अंजाम, प्रार्थी ही निकला लूट का मास्टरमाइंड। रायपुर में ब्रिज मोहन ने प्रदेश सरकार पर कसा तंज, कहा हक की लड़ाई लड़ने से रोक रही है सरकार। दिल्ली से रायपुर लौटे सीएम भूपेश बघेल, जोधपुर के चिंतन शिविर में होगा गंभीर मंथन। नमस्कार, मैं हूं निशु दुबे और आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया मोड। छत्तीसगढ़ के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो रुख करते खबरों की ओर। राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली से वापस लौटने के पश्चात फिर से भेंट मुलाकात कार्यक्रम के लिए सरगुजा रवाना हुए। दौरे से पहले मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के ट्वीट को लेकर पलटवार किया है, कहा कि महिला अपनी बात कह रही थी और यह वीडियो किस प्रकार से यह लोग डाले हैं, यह सब आजकल चलता है, यह तो उनका काम ही है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह लोग जो राजनीति कर रहे हैं अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। अब ये वीडियो किस प्रकार से डाले हैं वो तो आजकल सब चलता है, इन लोगों का काम ही यही है, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन यह है कि वो महिला दुखी थी और मुझे इस बात का दुख है कि मैंने उसे डांटा, मुझे डांटना नहीं चाहिए था। वो अपनी पीड़ा बता रही थी तो मुझे डांटना नहीं चाहिए था, इस बात का मुझे दुख है। दूसरी बात, ये लोग जो राजनीति कर रहे हैं इसके पास अब कुछ है ही नहीं। रमन सिंह भूल गए विधानसभा में स्वर्गीय नंद कुमार पटेल को क्या बोला था, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, क्या मतलब होता है इसका। वो बड़े सज्जन बनते हैं और उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट मतलब क्या होता है रमन सिंह जी बता दें। तो धमतरी के पावद्वार गांव में लघु जलाशय के अंदर खाली जगह पर कुछ व्यक्तियों द्वारा जेसीबी से खुदाई कर भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, जिसको छुड़वाने के ग्रामीण द्वारा ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित किया गया, जिसकी जानकारी अनुविभाग अधिकारी साकरा को ग्रामीण द्वारा 3 बार दिया गया, जिसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश नजर आ रहा है। वही ग्रामीण शिकायत लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे कलेक्टर PS अल्मा ने जाँच कर उचित कार्रवाई करने की बात कही है। बाल में कुछ गाँव के व्यक्ति हैं जो गाँव से बीज लेकर के सिंचाई विभाग से अपन खेती कर रहे हैं। हम गाँव वाले चाहते हैं कि वहाँ खेती ना करें, क्योंकि गाँव वालों को मवेशी चराने के लिए धान पानी पिलाने के समस्या होती है, ना वहाँ वो लोग मवेशी को चरने देते हैं ना पानी को। तो हम लोग गाँव वालों की विशेष मांग है शासन प्रशासन से कि वहाँ उस जलाशय में जो कृषि कार्य कर रहे हैं हम लोगों से कृषि करने के लिए न दिया जाए, ये हम समझ सकते हैं। निस्तारी की भी समस्या, हाँ निस्तारी की भी समस्या होती है। हाँ यह सही बात है कि पावदार के ग्रामीण जन आए हुए थे कि जलाशय में अतिक्रमण किया जा रहा है। बेसिकली वो सिवाय आमदनी के रूप में जो जलाशय के ऊपरी भाग होता है जहाँ पर बीज से पानी अप डाउन होता है, वहाँ उसको निलामी के रूप में एक सीजन के लिए दी जाती है और उसके बाद उनको छोड़ना होता है। वो काम इन लोगों ने इरीगेशन डिपार्टमेंट नहीं किया होगा और वो नियमित रूप से वहाँ पर दूसरे कार्य कर रहे होंगे, तो उसको हम लोग समझाइश देंगे और हटाएंगे उसको। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली दौरे से वापस लौट गए हैं, एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया।
भूपेश बघेल CWC की बैठक में शामिल होने गए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की अध्यक्षता में CWC की बैठक हुई थी, जिसमें जोधपुर में आगामी 13, 14 और 15 तारीख को जो चिंतन शिविर होगा उस एजेंडे पर बातचीत हुई है। जोधपुर में जो चिंतन शिविर होगा जिसमें जो एजेंडा है, अलग अलग नेताओं को जो जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें खड़गे साहब को, चिदंबरम साहब को, मुकुल वासनिकी, भूपेंद्र हुड्डा और राजा बरार, इन लोगों की जिम्मेदारी दी गई थी। कमेटी बनी थी, कमेटी के जो अलग अलग विषय है, जिसमें राजनीतिक है, संगठन से जुड़े हुए हैं, आर्थिक है, कृषि है, इन सब के मामले में कमेटी गठन की गई है, जिसके ड्राफ्ट तैयार किए गए, जिसके CWC में इसकी चर्चा की गई सोनिया जी के अध्यक्षता में, राहुल जी की उपस्थिति में, और 13, 14, 15 को चिंतन शिविर होगा, इसी की तैयारी। तो रायपुर में कलेक्टर द्वारा प्रदर्शन क्षेत्र को स्थानांतरित किए जाने को लेकर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल प्रदेश सरकार पर तंज कसा है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि सरकार लोगों को अपने माल उठाने में रोक नहीं रही है, लोगों को अपने हक की लड़ाई करने के लिए रोक रही है। सभी संगठन कर्मचारियों और पार्टी के लिए लड़ रहे हैं और इस निर्णय का हम विरोध कर रहे हैं। सरकारें नई सड़क जो रायपुर से 20 किलोमीटर दूर धरना स्थल को परिवर्तित करने का आदेश जारी किया है। ये आदेश पूरी तरह तानाशाही पूर्ण है, लोकतंत्र के विरुद्ध है और ये आपातकाल की याद दिलाता है कि सरकार के विरोध करने वाले लोगों को सरकार से दूर करना, जनता से दूर करना। अगर बूढ़ा तालाब की जो रोड बंद की है, शायद ये इतिहास में पहली बार होगा सरकारें नई सड़क बनाती है, सड़कों को बंद नहीं करती है। अगर वो सड़क चालू कर दें तो मुझे लगता है कि धरने के कारण जो जनता को समस्या हो रही है उस समस्या का समाधान हो सकता है। और धरना स्थल अगर परिवर्तित करना है तो शहर के ही किसी हिस्से में धरना स्थल को बनाया जाना चाहिए, जिससे कि जनता के बीच में अपनी बात को, अपने विरोध को, अपनी समस्याओं को लोग पहुंचा सकें। तो जगदलपुर के नगरनार में निर्माणाधीन NMDC स्टील प्लांट में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच समीक्षा बैठक हुई। समीक्षा बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों ने NMDC प्रबंधन के सुस्त गति से काम करने का आरोप लगाया है और कहा कि प्रभावितों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इस दौरान कर्मचारी संघ के लोगों ने भी जनप्रतिनिधियों के समक्ष अपनी कई समस्याएं रखी। जनप्रतिनिधियों ने NMDC के अधिकारियों को साफ तौर पर कहा है कि कोपागुड़ा में अस्पताल जल्द शुरू किया जाए। हमारे बस्तर के वरिष्ठ नेता, प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय लोकेश्वर बघेल जी, MLA चित्रकूट राजवन बेंजाम जी और स्थानीय जनपद सदस्य, प्रभावित क्षेत्र नगरना और स्थानीय प्रभावित क्षेत्र के सरपंच और आप यूनियन लीडर और यहाँ के ED और NMDC प्रबंधन के बीच में हम लोग का एक समीक्षा बैठक हुआ। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि 2012-13 के बाद शायद ये पहली बैठक होगी। विधानसभा स्तरीय कमेटी आई थी, एक बैठक लेके चली गई, स्थानीय स्तर का ये पहली बैठक होगी मुझे लगता है। हम लोग बीच में अच्छा चर्चा हुआ, एक एक बिंदु पे चर्चा हुआ और डिटेल से चर्चा हुआ। लगभग 2 घंटे से अधिक चली बैठक और NMDC की हित को लेकर, यहाँ के प्रभावित किसानों के हित को लेकर, यहाँ प्रभावित ग्राम पंचायत की हित को लेकर महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चाएँ हुई है। तो निश्चित रूप से कुछ कमियाँ हम लोग को दिखी भी। माननीय MLA लक्ष्मण बघेल जी ने भी सुझाव दिए, जिला प्रशासन, NMDC और हैदराबाद, ये तीनों के बीच भी कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन का गैप होने की वजह से कुछ कामें जो समय पे होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। उसको हम लोगों ने निर्देशित किया है ताकि गैप को मेंटेन करें और जो यहाँ की जो रुके हुए काम, अटके हुए काम, उसको तत्काल करें ये। और इसके अलावा आप लोग के संबंध में भी चर्चाएँ हुई है कि हम लोगों ने, हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, उनका भी कहना है कि अगर मैकॉन चला रहा है इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको 3 साल के लिए नहीं, 10 साल के लिए चलाएं।
उनका भी सजेशन है और हम लोगों ने भी सुझाव रखा वहाँ पे कि इसको 3 साल नहीं 5 साल नहीं, इसको 10 साल के लिए चलाना चाहिए। ये NMDC हैदराबाद प्रबंधन को और केंद्र सरकार को यहाँ का सुझाव लिखे हम लोगों ने निर्देश किया है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।